हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो दोस्तों, वीडियो में बात कर रहे हैं TTML के स्टॉक यानी कि टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में। अगर आज के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो 21 रुपये 75 पैसे के ऊपर स्टॉक जो है वो ट्रेंड कर रहा है। 4.82% की दर से आज भी अपर सर्किट लगा हुआ है स्टॉक में और 1 रुपये की ग्रोथ जो है स्टॉक के प्राइस में आज देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए पिछले 5 दिनों की, तो 5 दिनों में स्टॉक ने 20.83% का रिटर्न दिया है। 1 महीने में 63% तक का रिटर्न, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। अगर आप लोगों ने 1 महीने पहले भी यहाँ पर पैसा लगाया होता तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न जो है स्टॉक बनाकर दे चुका होता अभी के लेवल तक। और अगर बात करें पिछले 6 मंथ की, तो पिछले 6 मंथ में स्टॉक ने 160% तक का रिटर्न जो है वो बना के दिया है। केवल 2021 में अगर पैसा लगाया होता, यानी कि अगर 1 जनवरी 2021 को भी आपने इन्वेस्टमेंट की होती, तो 177% तक का रिटर्न अभी तक स्टॉक आपको बनाकर दे चुका होता। और अगर 1 साल पहले पैसा लगाया होता तो 487% तक का रिटर्न, 5 साल में स्टॉक ने 242% तक का रिटर्न दिया है। यानी कि स्टॉक ने अपने हर एक लेवल पर अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो बना के दिया है। लेकिन अगर बात की जाए आज के ग्राफ की, तो जिस तरह से स्टॉक में अपर सर्किट लगा हुआ था, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि लगातार यहाँ पर तेज़ी बनी हुई थी, लेकिन आज जो है ग्राफ में करेक्शन देखने को मिल रही है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है दोस्तों इस लेवल पर आकर। और प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी दबा के हुई है, क्योंकि देखिए स्टॉक का प्राइस 21 रुपये 75 पैसे से 19 रुपये 75 पैसे के लेवल तक गिर चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब अलर्ट होने का टाइम है। जो लोग यहाँ पर शॉर्ट इन्वेस्टमेंट किए हैं, यानी कि अगर आप लोगों ने केवल अच्छे खासे रिटर्न के लिए यहाँ पर पैसा लगाया है, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस लेवल के बाद अब खतरे की घंटी जो है वो बज चुकी है। क्योंकि स्टॉक में आज करेक्शन हुई है और ये करेक्शन आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से अपर सर्किट लगा है और अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है तो यहाँ पर गिरावट भी लगातार होने वाली है। और अगर गिरावट होगी तो जिस लेवल का आप इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है उस लेवल तक स्टॉक अभी ना जाए और आपको नुकसान हो जाए। और जो लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं वो लोग बने रहें, बिल्कुल भी सेल ना कीजिए। स्टॉक में क्या चल रहा है वो बिल्कुल भी भूल जाइए। अपर सर्किट लगा है, लोअर सर्किट लगा है, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको केवल और केवल मतलब होना चाहिए अपने मोटिव की तरफ, यानी कि अगर आपने 5 साल का लक्ष्य रखा है, 10 साल का रखा है, तो आप उतने समय के लिए स्टॉक को भूल जाइए। क्योंकि देखिए, भूलने की बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टॉक जो है ज़बरदस्त है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। टाटा सन्स डे बाई डे यहाँ पर कुछ ना कुछ नया लेकर आ रही है TTML के स्टॉक को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। और आप लोगों को भी पता होगा जिस तरह की अनाउंसमेंट हुई थी TTMLC TTBS होने वाली कंपनी, नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंपनी के अंदर इंक्लूड किए जा रहे हैं, सुपर ऐप जैसी एप्लीकेशंस की लॉन्चिंग अभी पेंडिंग है। तो ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे जहां पर आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म, यानी कि जो लोग सोचते हैं कि 1 महीने में हमें 50% तक का रिटर्न चाहिए और उसके बाद हम यहां पर माल को बेचकर वही पैसा दोबारा से री इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर 1 महीने के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न जो है सभी इन्वेस्टर्स को मिल चुका है। और अगर जिन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी हायर लेवल पर भी पैसा लगाया था, कहने का मतलब यह है कि लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों के पैसे यहाँ पर फंसे होंगे, जब स्टॉक का प्राइस 21 रुपये 75 पैसे यानी कि 22 रुपये के लेवल पर स्टॉक जब ट्रेंड कर रहा था, तो हमें से बहुत सारे लोगों ने खरीदारी की होगी। लेकिन जब गिरावट हुई तो उन लोगों को ये लगा हुआ कि अब हमें यहाँ पर नुकसान जो है हो सकता है काफ़ी बड़ा। और अगर वो लोग अभी तक यहाँ पर बने हुए थे, होल्ड करके रखा था स्टॉक को, यानी कि कंपनी के ऊपर भरोसा था, तो उन लोगों को दोबारा से यहाँ पर मौका मिला है री इन्वेस्ट करने का या फिर प्रॉफिट बुकिंग करने का। तो फैसला आपके ऊपर है दोस्तों, आप चाहे तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और आप चाहो तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो। बाइंग अभी बिल्कुल भी मत कीजिए, यानी कि फ्रेश पोजीशन बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान जो है वो हो सकता है, क्योंकि लेवल्स काफ़ी हाई जा चुके हैं। अप्रॉक्सीमेट स्टॉक जो है ओवरबॉट जोन में है, RSI लेवल काफ़ी हाई है और स्टॉक के अंदर जिस तरह का मूवमेंट आज के दिन स्टॉक ने दिखाया है, एक इंडिकेशन है कि यहाँ से अब करेक्शन हो सकती है, यहाँ से अब गिरावट हो सकती है। तो आप लोगों को संभल कर रहना है। बाकी अगर आज के ट्रेड को देखा जाए तो NSE पर आज भी 16,35,605 शेयर की बिडिंग लगी हुई है, जो लोग यहाँ पर खरीदना चाहते हैं। अगर 52 वीक लो की बात की जाए तो 2.70 रुपये से लेकर स्टॉक जो है 22.80 रुपये के लेवल तक जा चुका है और अभी का लेवल 21.75 रुपये चल रहा है। यानी कि अगर कल भी अपर सर्किट लगता है तो स्टॉक अपने पिछले 52 वीक के हाई को ब्रेक करेगा और नया एक रिकॉर्ड बनाएगा और इसके बाद स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट
तो मेरी एक बात हमेशा, तो जितने भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो लोग बिल्कुल नज़र बना के रखें स्टॉक में। जब मौका मिले आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेवल्स काफ़ी हाई हो चुके हैं, और अगर फंडामेंटली बात की जाए तो जिस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट्स आप सभी के सामने हैं, तो कंपनी अभी भी लॉस जो है जनरेट कर रही है, लेकिन लॉस के बीच में कंपनी अब अपने लॉस को ख़त्म करती हुई भी नज़र आ रही है। अगर स्टॉक में इसी तरह की अच्छी मूवमेंट और बिजनेस अच्छा चलता रहा इनका, तो कंपनी जो है अपने लॉस को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देगी और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव में निकलता हुआ आएगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर देखा जाए तो कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट की रेशियो है जो काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए जिस तरह से कंपनी ने साल 2020 में 3714 करोड़ का लॉस जनरेट किया था, वो घटकर अब 1997 करोड़ का हुआ, यानी कि कंपनी ने अपने लॉस को आधा किया है विद इन ईयर। आने वाले कुछ साल में कंपनी अपने नेगेटिव डाटा को पॉजिटिव में करती हुई नजर आएगी, और सुपर ऐप जैसे जो प्रोजेक्ट हैं जैसे ही लॉन्चिंग होगी स्टॉक में धमाकेदार जो तेजी है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप सभी लोग रिटर्न्स कमाने के लिए आए हैं, और अगर आपको एक मंथ में 63% तक का रिटर्न मिल रहा है और 6 मंथ में आपका पैसा 1.5 गुना हुआ है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ये बात केवल मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को कह रहा हूँ, तो ज़्यादा लालच ना करते हुए प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दीजिए, स्टॉक में कभी भी करेक्शन हो सकती है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।